बहुत कुछ बचता है, बहुत कुछ बचता है। हमारे मराठी में एक कहावत है कि क्या होता, नदी भी आपके ऊपर से बह जाए तो भी पत्थर सूखा ही रहता है, तो पत्थर सूखा ही रहता है। तो मराठी में वो जैसे कि लोका सांगे ब्रह्म ज्ञान अपन कोरडे पाषाण, जी दुनिया को ब्रह्म ज्ञान देते हैं लेकिन खुद को पत्थर जैसे सूखे रहते हैं। तो वैसे उनको क्या होगा, वो सुनेंगे भी नहीं ना। मोदी का भी सुनेंगे तो उसमें से अपना ही अर्थ निकालेंगे, अन्वय निकालेंगे। तो हम उनको क्या कर सकते, वो तो अपने आप खत्म खत्म होने वाले हैं। उनको मोदी को मारने की भी जरूरत नहीं है। ये बोलेंगे मोदी हमको खत्म करना चाहता है, अरे क्यों खत्म करेगा मोदी। नेपोलियन कहता है कि आपके दुश्मन अगर सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, तो उस पर हस्तक्षेप मत करो। बस इसलिए मोदी हस्तक्षेप नहीं करते, उनका जवाब तक नहीं देते मोदी। क्यों नहीं देते, बोले खुद आत्महत्या कर रहे हैं तो मेरे हाथ खून से क्यों रंगू मैं। ये बात होती है ना। तो इनको नसीहत वगैरह से कोई मतलब है नहीं, नसीहत से कोई मतलब है नहीं। ये सुधरेंगे नहीं, ऐसे ही अपने आप में खत्म हो जाएंगे। देखिए 2002 के बाद देश के जो लिबरल्स थे, लेफ्टिस्ट थे, वो मोदी को खत्म करने निकले थे। वो गुजरात का चीफ मिनिस्टर, ये हो ही नहीं सकता, इतना नालायक है, बोल रहे थे। तो 12 साल की मेहनत के बाद इन्होंने उसको चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब दुनिया भर के लेफ्टिस्ट लिबरल्स इकट्ठे हुए हैं। ये तो इसको 21वीं सदी का सबसे बड़ा अहम नेता बना रहे हैं। तो मैं तो इनका स्वागत करता हूं। मैं मोदी मोदी भक्त हूं, मोदी का चाहता हूं, चाहता हूं, फैन हूं। तो मैं तो खुश होता है जितने मोदी को गाली गलौज करे। ये लोग समझ नहीं पाते कि योगी की उम्र क्या है। योगी 50 के इर्द गिर्द है, ये बिल्कुल और 20-25 साल लीडरशिप दे सकते हैं। अडवाणी और वाजपेयी उनके बाद ये दो नेता आए, ये नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप बना रहे, जो अडवाणी और वाजपेयी ने नहीं बनाई। उन्होंने अपने नेक्स्ट जनरेशन को नेक्स्ट जनरेशन ही रखा, उससे पार्टी इवॉल्व नहीं होती। बीजेपी इवॉल्व हो रही है क्योंकि देखिए अब हमारे यहाँ देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बनाए गए, उनको क्या एक्सपीरियंस था, वो कभी मिनिस्टर भी नहीं थे। तो दो समय के लिए वो एमएलए थे, उनको सीधा उठाकर चीफ मिनिस्टर बनाया गया, और वो भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट के लिए बनाया गया। तो बिल्कुल जितनी जितनी तकलीफ होगी उतना अच्छा उभर कर निखर कर लीडरशिप आती है। ये मोदी का तरीका है। मोदी हो या अमित शाह हो, इनकर संघ के संस्कार है, लेकिन उनकी लीडरशिप जो निखरी है वो अपोजिशन के बदौलत निकली है। तो इनका ये तरीका है कि भाई तुम बहुत भारी परीक्षा से ही निकलना पड़ेगा, अग्नि परीक्षा करो, सत्व परीक्षा करो, उससे निकल आओ। तो योगी के खिलाफ जितने दांवपेच खेले जाएंगे उतना योगी उभर कर आएंगे। नहीं तो मैं बोलता हूं कि योगी को चीफ मिनिस्टर किया गया मुझे पसंद नहीं था, देवेंद्र को चीफ मिनिस्टर बनाया गया मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि अब मैं समझता हूं कि हमारी और मोदी की सोच में क्या फर्क है। तो हम पुराने ढंग से करते कि भैया एक्सपीरियंस चाहिए, मोदी को भी कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये योगी के वो अगले 15-20 साल के लिए लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें झगड़ा क्या होगा। बिल्कुल सही देखिए है। अडवाणी और मोदी की तुलना हम नहीं कर सकते, क्योंकि अडवाणी गुरु बन नहीं सके। अगर जी आपका जी जी चेला आगे आ रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उसकी मशागत करना, उसके लिए मेहनत करना अलग रहा। वो ये खुद ही बनना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर, और मोदी की लोकप्रियता पर अडवाणी अपनी महत्वाकांक्षा लेकर आगे जाना चाहते, ये मोदी में नहीं है। ये फर्क है सही बीजेपी की, इसकी पहली लीडरशिप
और आज की लीडरशिप, इसमें ये फर्क है, ये नई लीडरशिप आगे ला रहे हैं। देखिए 5 साल उन्होंने असम में हिमंतो बिस्व शर्मा को रखा और चुनाव होने तक उसका नाम नहीं डिक्लेयर किया, अब जाके किया है, क्योंकि उसने 5 साल काम करके दिखाया। और उल्टा देखो कि सचिन पायलट ने काम करके दिखाया तो कांग्रेस उसको ही खत्म कर रही है। जी जी, इसलिए मोदी और अमित शाह, इनके सोचने का तरीका समझना जरूरी है। उनके खिलाफ जाओ, उनका समर्थन करो, कुछ भी करो, लेकिन उनको समझना जरूरी है। तो अब मोदी हो या आपके योगी हो, एक दूसरे का गुणगान अगर कर रहे हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सच्ची बात तो बोल रहे हैं कि भाई मैंने जो कारोबार किया, लेकिन उसको सपोर्ट भी मोदी का है। लॉकडाउन हमने कुछ हैंडल किया अच्छा, लेकिन अगर फ्री राशन मिला और कुछ सहायता मिली, अगर सेंटर से वो नहीं मिलती तो ये चुनाव जीतना भी आसान नहीं था। बिल्कुल। तो इसलिए योगी मोदी के आभार मान रहे हैं और मोदी पार्टी के लिए योगी के आभार मान रहे हैं।